हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ सबसे पहले चर्चा करूंगा कल हमने क्या चर्चा की थी। कल हमारी चर्चा में यही था कि निफ्टी बैंक जो है थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, और मैंने ये भी कहा था कि भाई नीचे अगर बाजार बाई चांस चला जाता है तो वो पुल बैक डेफिनेटली करेगा। हमारा ये व्यू था कि बाजार जो है एक नैरो रेंज में रहेंगे, और निफ्टी में मुझे लग रहा था कि 50-60 पॉइंट का ही होगा। तो हालांकि निफ्टी ने 109 पॉइंट की तेजी दिखाई, लेकिन मेरा ये था कि जहां खुलेगा उसके 20-30 पॉइंट इधर या 20-30 पॉइंट यानी कि 50-60 पॉइंट की रेंज में एंटिसिपेट कर रहे थे। लेकिन निफ्टी बैंक में हमारा ये व्यू था कि 44,200 के आसपास जाएगा, और बेस्ट केस में 44,400 भी जाएगा, लेकिन वहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो निफ्टी बैंक में तो देखिएगा बिल्कुल एक्यूरेट रहा, लेकिन निफ्टी के अंदर थोड़ा सा हम मिस कर गए, और आज एक्सपायरी भी थी। और कुल मिलाकर बट यहाँ पर हम कल भी किसी स्पेशल तेजी या मंदी में नहीं थे। अब निफ्टी पर हमारी कल के लिए राय ये है कि देखिएगा जिस तरीके से आज पिकअप पकड़ा है बाजार ने निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी शायद आपको एक ओपनिंग अच्छी दे दे, ओपनिंग अच्छी दे दे, यानी कि फ्लैट टू पॉजिटिव। लेकिन बाजार कल शायद ऊपर से सेल करता हुआ नजर आएगा। ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर कल हमें फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिल सकता है। इस बात की चीज संभावना है कि अगर 19,600 के अराउंड में बाजार घूमने की कोशिश करता है, और 19,630-620 ये एक ऐसे लेवल है जहां पर एक सीवियर सेलिंग होगी, अगर वहां से सेलिंग होके फिर बाजार आपको आज के लो से भी नीचे जो है क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके भी नीचे बाजार बंद होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि कल की क्लोजिंग रेड में हो सकती है। आज जो है L&T, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS और टाइटन जैसे शेयर्स तेजी में थे। पावर ग्रिड, नेस्ले, सन फार्मा, सिल्टेक और टाटा कंज्यूमर कमजोरी में थे। हमारे बाजारों को जो राहत मिली है वो ब्रांड क्रूड के अंदर जो प्राइस टूटे हैं उसकी वजह से करेंसी में भी थोड़ा सा रिलीफ आ गया। मतलब रिलीफ ही आ गया कि जो RBI के कंधों पर जो बर्डन था डॉलर की तेजी को रोकने का या सप्लाई देने का कि भाई डॉलर्स की सप्लाई दें रुपये के सामने, वो थोड़ा सा वो कम्फर्ट हो गया। हालांकि उन्होंने आज भी ऐसा देखा जा रहा है कि भाई डॉलर्स काफ़ी मजबूत हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है RBI को अच्छी खासी जो है डॉलर की सेलिंग करनी पड़ रखी है। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया राहत मिल गई इंडिया के लिए कि ब्रांड क्रूड के प्राइस नीचे की तरफ टूट गए, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत थोड़ी सीवियर होती। अब ब्रांड क्रूड के प्राइस क्यों टूटे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन की तरफ जा सकती हैं, जिसकी वजह से जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड वो लोअर साइड में रहेंगी, और वर्ल्ड की जो GDP ग्रोथ है वो भी नीचे की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से उस अनुमान को देखते हुए ब्रांड क्रूड के प्राइस नीचे की तरफ आए हैं। अब अगर हम बात करें एडवांस डेक्लाइन में, तो एडवांस डेक्लाइन आज देखिएगा काफ़ी मजबूत थे, और चांद पे थे हम ये कह सकते हैं। सुबह तो बड़े पॉजिटिव नोट के साथ खुले, लेकिन एडवांसेस शाम को धीरे धीरे कम होते हुए नजर आए। बजाज ऑटो, L&T, महिंद्रा और टाइटन जैसे शेयर्स तेजी में थे, और TCS में भी एक अच्छी खासी तेजी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड, सिप्ला, हिंडालको, नेस्ले, NTPC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक 44,212 पर क्लोज हुआ। तो हम यही कह रहे थे कि अगर जाए तो नीचे देखिएगा मल्टीपल स्पोर्ट एरिया थे 43,900, 43,800, और मैंने ये कहा था कि अगर उस दायरे में मिल जाए आपको तो एक आप पुल बैक देखेंगे, लेकिन उस दायरे में गया ही नहीं बाजार। और ऊपर की लेवल पे हमारा ये था कि अगर 44,300-400 जाएगा तो वहाँ सेलिंग आनी चाहिए, तो वहाँ से सेलिंग आ भी गई। हालांकि बाजार ने काफ़ी हद तक जो है 44,250 के आसपास जो है काम करने की चेष्टा की आज दिन भर, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 44,200 के आसपास है। मुझे लगता है कि कल शायद निफ्टी बैंक ने एक अटैम्प्ट लेगा ऊपर का, लेकिन वो निफ्टी बैंक में भी जो अटैम्प्ट आएगा ना ऊपर का वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें लग रहा है, यानी कि कल फिर हमारे को दोबारा से सेल ऑन राइज लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पर खुलते साथ बेचने का नहीं है समय, बट हाँ बाजार जब बढ़े ऊपर की तरफ, बाजार का ट्रेंड अभी भी हमें नेगेटिव लग रहा है, और अभी भी हमें लगता है कि निफ्टी बैंक भी देखिएगा कंसोलिडेट करेगा या राइज भी करेगा ना, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 43,700 के आसपास आकर कंसोलिडेट करे, फिर हम ये कह सकते हैं तो उसको ब्रेक कर दे या वहाँ से एक अच्छी खासी पुल बैक रैली आ जाए। तो अभी तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। निफ्टी बैंक के अंदर भी जो कैंडल स्टिक है वो जो है एक रेंज वाली ही जो ट्रेड्स हैं, इस एरिया वाले जो ट्रेड्स हैं उसी में चल रही है। तो अभी मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि 44,400 के आसपास बाजार जाए,
और इवन 600 भी जा सकते हैं, लेकिन उसके आसपास जो है हमें लगता है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखने के लिए मिलेगी। आईसीआई बैंक, SBI, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, ये सब तेजी में था। आज कमजोरी थी PNB, बंधन और फेडरल बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रोविजनल डेटा देख के थे, 1.62% की तेजी है। कल इसने 700 का लेवल भी तोड़ दिया था, आज हालांकि इसमें रिकवरी है। लेकिन हम बैंकों के जो फाइनेंशियल्स देख रहे हैं प्रोविजनल डेटा में, क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है वो समझाता हूँ मैं आपको। देखिएगा, बैंकों के जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें जो प्रोविजन्स, जो प्रोविजनल डेटा है उनमें क्या मैंने कंक्लूजन निकाला, लोन लेने वालों की होड़ लगी हुई है। यानी कि जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है सभी बैंकों की। यानी कि पैसा आप कितना ही बांट लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिटर्स है यानी कि जो व्यक्ति FD में पैसा रखता है, सेविंग में, उसका जो रुझान है वो सेविंग या करंट अकाउंट में नहीं है, उसका रुझान FD में है, जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट है। और जो सेविंग अकाउंट वाला जो पोजीशन है वो सब बैंकों की वीक हुई है, या तो बिल्कुल न्यूट्रल रही है या बहुत ही माइनर ग्रोथ आई है। सेविंग के साथ जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो कासा रेशियो है वो मोस्टली सभी बैंकों की पिछले क्वार्टर से भी गिरी और पिछले साल से तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली गिरी है। इसका मतलब है सस्ता कर्ज बैंकों के पास नहीं है। अब बात करते हैं FD की। FD में तो पैसा बैंकों के पास आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप पूरे ग्रोथ को देखोगे तो जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो एवरेजली 2-2.5% के आसपास आ रही है, अगर सारे बैंकों की जो अब तक डेटा आए हैं तो 2 से 2.5-3 लगा लीजिएगा, मैंने 2 से 3 के बीच में, यानी कि 2.5% एवरेज है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि बैंक अपने मार्जिन्स को, यानी कि NIMs को एक्सपेंड नहीं कर सकते। सभी बैंकों को ये तो पता है कि लोन लेने वाले लोग हैं, कर्जा तो आप कितना ही बांट लो, लेकिन मुझे लग रहा है कि कर्जा उसको देने की ज़रूरत नहीं है जो पैसे वापस नहीं देगा। और मुझे लगता है कि जो कर्जा लेने वाले लोग हैं वो वास्तव में ऐसी जमात ज़्यादा है जिनको बैंक कर्जा देना चाहता है वो लोन लेना नहीं चाहते, वो कर्जा लेना नहीं चाहते, और बैंक जिनको देना नहीं चाहता वो लोग लोन लेने के लिए तैयार है। तो लोन में एक अच्छी डिमांड है जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बैंकों को अब या तो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी कैपिटल एडिक्वेसी के लिए, जैसे कुछ अनाउंसमेंट भी अपने IDFC फर्स्ट बैंक की देखी, तो 2000 करोड़ के आसपास का QIP जो है वो लाने वाले हैं। तो उसमें भी जो पैसा आएगा तो इक्विटी, अगर हम देखें आज के बाजार भाव पर भी हम देखें तो करीबन 20 से 21 करोड़ इक्विटी शेयर्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो फिर वो इक्विटी डाइल्यूशन होगा। तो यानी कि जो बैंक की ग्रोथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो वास्तव में प्रॉफिट तो बैंक कर लेगा, लेकिन वो वास्तव में ट्रांसलेट नहीं होगी क्योंकि इक्विटी साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है। दूसरा है कि आप विदेशों से पैसा ले लो, विदेशों में इतना महंगा कर्जा हो गया कि भाई जो आपको बोरिंग्स करनी है वो बहुत महंगी है। तो बैंकों के लिए जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी टाइट रहेगी अभी। तो बैंक लोन तो बांटने में कोई दिक्कत नहीं है बैंकों को, लेकिन बैंक ना अच्छी क्वालिटी वाले जो, यानी कि जिनके अच्छा क्रेडिट स्कोर है वो लोग लोन लेना नहीं चाहते, जिनके क्रेडिट स्कोर ख़राब है वो लोग लेना चाहते हैं लेकिन बैंक उनको देना नहीं चाहता। यानी कि लोन की तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसे लोगों की ज़्यादा है जिनकी शायद रीपे कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, और यही मुझे रीज़न लगता है कि अभी बैंक जो है कंसोलिडेट करेंगे एक, हालांकि अगर हम थोड़े से मिड टर्म में देखें तो एक ब्रॉडर रेंज लगा लीजिए, बट मुझे अभी ना तो बैंकों में बहुत ज़्यादा तेजी में उम्मीद कर रहा हूँ और ना ही मैं बैंकों में बहुत ज़्यादा मंदी कर रहा हूँ। और वही देखिएगा, FIIs के डेटा से भी रुझान हो रहा है, FIIs भी शायद आज हमारी तरह ही सोच रहे हैं कि भाई वो ऑप्शंस बेच रहे हैं। देखिएगा, बहुत समय के बाद ऐसा हमें देखने के लिए मिला है कि ऑप्शंस इतनी बड़ी मात्रा में FIIs के द्वारा बेची जा रही है। पिछले 1.5-2 महीने में हमने देखा कि जहां वो ऑप्शंस बायर हुआ करते थे वो अब ऑप्शन सेलर है नेट, और उनको समझ में आ गई बात कि भाई बाजार में ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन रहा है, तो FIIs ने बहुत पैसा बनाया। और ये एक और भी रीज़न आपको बताऊँ कि इस पूरे 1.5-2 महीने में ऑप्शंस बायर ने बहुत ज़्यादा पैसा लूज भी किया है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में इतने पिछले 1.5-1.5 महीने में काफ़ी अच्छा पैसा बना भी है। अगर हम बात करें कि AU स्मॉल फाइनेंस, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब तेजी में थे, बाकी सब मंदी वाले शेयर्स हैं। और 5 अक्टूबर को आज भी 1864 करोड़ की सेलिंग कर दिया। FIIs ने कहा भाई आज कम कर दो सेलिंग यार, कल माल लेने वाला नहीं मिला। तो आज देखिए उनकी सेलिंग कम थी, लेकिन 521 करोड़ की DIIs की बाइंग थी। आज FIIs ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स कवर किए
उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर भी कवर, सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स कवर किए 1501 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स। लेकिन ये देखिएगा 69,440 करोड़ की आज ऑप्शंस फिर बेच दी, कल 40,000 करोड़ की ऑप्शंस बेची। हालांकि देखिएगा इस ऑप्शंस बेचने में भी कुछ सौदे ऐसे होते हैं जो फ्यूचर्स वाले होते हैं, यानी कि जो डीप इन द मनी होती है कॉल या पुट, वहाँ पर भी पोजिशंस बनाई जाती है, तो इसमें से वो ऑप्शंस भी होंगी जरूर से जरूर। पुट कॉल रेशो 0.85 है तो न्यूट्रल है ना, इसमें कोई मंदी की बात हो रही है ना तेजी की, और सिमिलरली जो है बैंक निफ्टी में भी है, और इंडिया विक्स आज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, तो बुल्स बड़े कॉन्फिडेंस में आज आ गए कि भाई आज तो इंडिया विक्स गिर गया। तो इंडिया विक्स गिरने का जो फ़ायदा होता है वो ऑप्शन सेलर को ही होता है, जिन्होंने कल ऑप्शन बेची होंगी आज ऑप्शन के प्रीमियम नीचे की तरफ आ गए तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। अब कल फिर बढ़ सकती है इस बात की भी संभावना हमें इंडिया विक्स, क्योंकि इंडिया विक्स जो अपने बॉटम के आसपास है तो हमें लगता है कि इंडिया विक्स जब थोड़ी सी ऊपर जाएगी। लेकिन इस बार मेरा जो मानना है, लोग कह रहे हैं कि इंडिया विक्स बढ़ेगी, मैं मान रहा हूँ बढ़ेगी सही पर बहुत स्लाइटली चेंजेस आएंगे, क्योंकि इस बार जो बड़ा प्लेयर है वो दूसरा गेम खेल रहा है, वो बाजार को धीरे 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 करके डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिएगा बाजार ऊपर से निफ्टी गिरता है फिर थोड़ा सा संभलता है, फिर गिरता है फिर संभलता है, तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस बायर के तो पैसे नहीं बनेंगे जब तक बड़ा मूव नहीं आएगा, तो ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, एक दिन कॉल ऑप्शंस के बेच के पैसे कमा रहा है, एक दिन पुट ऑप्शन बेच के पैसे कमा रहा है, और यही जो डायरेक्शन है यही हमें लग रहा है कि अभी चल रही है, और FIIs भी शायद इसी मूड में, और इसीलिए मैं भी कल कह रहा हूँ आपको फिर सेल ऑन राइज लग रहा है। और कल देखिएगा आपने, मैंने कहा था कि बाजार टूट गया कोई बात नहीं, आज उन्होंने पुट बेची होंगी, आज बाजार को थोड़ा सा ऊपर खड़ा कर देंगे, पुट के भाव गिर जाएंगे तो वो वहाँ प्रॉफिट कमा लेंगे। तो अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आज जो है थोड़ी कॉल बेच दी होंगी, थोड़ी बहुत कॉल, अगर जब बाजार कल ऊपर जाएगा फिर सेलिंग आ जाएगी, फिर बाजार यहीं पर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली एक साइड एक दिन पुट का प्रीमियम खा रहे हैं, एक दिन कॉल का प्रीमियम खा रहे हैं, तो बाजार देखिए इसे डायरेक्शन में चल रहे हैं। और बाजार में देखिएगा जो स्ट्रेंथ है ना, वो जो पहले वाली स्ट्रेंथ है वो थोड़ी धीरे धीरे स्मॉल कैप और मिड कैप में भी लूज़ कर रही है। आज मिड कैप इंडेक्स तो देखिएगा माइनस में ही चला गया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी तकरीबन 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है अभी हाल फिलहाल में जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ब्रांड क्रूड 84-85 पर आ गए, ये इंडिया के लिए एक बढ़िया रिलीफ है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर हम देखें तो पुट राइटर्स जो है 90,500 पर आज राइटिंग करते हुए नजर आए, 66,000 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल राइटिंग अभी निफ्टी के अंदर इतनी कोई अग्रेसिव नहीं है, और जो भी कॉल राइटिंग है वो ऊपर है, तो ये भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही एंटिसिपेट करने के लिए कह रहे हैं हमसे। हाँ, यहाँ पर आज थोड़ा सा जो है जो कॉल एग्रेसिवली कॉल राइटर्स थे 44,000 के नीचे, आज उन्होंने अनवाइंडिंग की और अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट की है, लेकिन मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा थी। और पुट राइटर भी आज अग्रेसिव थे और पुट राइटर अनवाइंड करने के लिए पोजीशंस नहीं थे तैयार, तो इसको भी देख के लगता है कि बाजार एक बार ऊपर की तरफ कल 44,400 और 44,500 इवन 600 की तरफ भी जाएगा, बट वो अपॉर्चुनिटी सेल ऑन राइज की ही रहेगी, बाजार वहाँ से फिर बिकवाली की चपेट में आ सकते हैं, इस बात की संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। ये जो भी एनालिसिस किया मैंने केवल है और केवल एजुकेशनल पर्पसेज के लिए किया है। अगर आप कोई भी निवेश करते हैं, किसी भी तरीके का डिसीजन लेते हैं, कोई FNO ट्रेड लेते हैं, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही निवेश या ट्रेड करें। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल आपके साथ एजुकेशन पर्पसेज के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।